पिछले दिनों इंदौर में वर्ग विशेष के युवकों द्वारा युवती के साथ छेड़छाड़ और परिजनों के साथ मारपीट के मामले में सर्व समाज जनमंच ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए आईजी को ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों बंबई बाजार में वर्ग विशेष के युवकों द्वारा नाबालिग बच्चियों के अपहरण के साथ ही परिजनों के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में सर्व समाज जनमंच ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों को गिरफ्तार करने के साथ ही क्षेत्र में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। इतना घटित हुई है उसके उनके आरोपियों को सीधे गिरफ्तारी और उनके अवैध कारनामों को खत्म करने के लिए कार्रवाई के लिए मांग की है, जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को हम अवगत कराएंगे और उसके साथ ही इसके कार्रवाई के लिए आगे प्लान तैयार करेंगे। करण सिंह रावत, AIG इंदौर। ज्ञापन दिया आपने, क्या मामला पूरा? हमारे वाल्मीकि समाज की दो बच्चियों के साथ कल मुंबई बाजार में जो कृत्य हुआ उसके उसमें हम सर्व समाज के लोग, वैश्य समाज से, ब्राह्मण समाज से, सिख समाज से, महेश्वरी समाज से, कुशवा समाज से, गुजराती समाज से, सब विभिन्न समुदाय के लोग प्रतिनिधि वहाँ के सर समाज के, वो आईजी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो कृत्य कल के दिन हुआ, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार उन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, नाबालिग बच्चियों के साथ वाल्मीकि समाज के। तरीका जो था वो ऐसा लग रहा था, जब मैंने सारी वस्तु स्थिति पता करी, ऐसा लग रहा था जैसे तालिबानी तालीम ली है इन लोगों ने। जिस प्रकार से उनने बच्चियों को मारा, उनके परिजनों को मारा, और विद इन 5 मिनट वहाँ पे 2000 मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हो गए, और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई तो पुलिस भी बड़ी हैरान परेशान थी, बड़ी मुश्किल से बच्ची को बचा के लाया गया है वहाँ पे। अगर ऐसा कृत्य अपने इंदौर शहर में होगा तो ये अपन सबके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इसी कारण हम लोग सब समाज की तरफ से आए हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए, उनके अवैध निर्माण और जितने भी अनैतिक धंधे वहाँ चलते हैं, नशे का व्यापार वहाँ पे होता है, सब उनको बंद किया जाए। जिस प्रकार से अपने शहर में भस्मल्ला टाइम के टाइम छेदीलाल दुबे हत्याकांड हुआ था, आप देखेंगे जब पुलिस के ऊपर आक्रमण होता है तो पुलिस कैसा कार्य करती है, और एक आज वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ ऐसा कार्य हुआ तो पुलिस ने वैसी एक्शन क्यों नहीं ली? सब जगह सर्चिंग होनी थी और उनके मकानों को ध्वस्त किया जाना था, ऐसा धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, इनके बातचीत में दिख रहा है, बाकी वहाँ आप जाएंगे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा जैसे वहाँ कुछ हुआ था। हम एक्शन चाहते हैं, फास्ट एक्शन चाहते हैं, ताकि ऐसा सबक मिले कि अपने इंदौर से एक ऐसा मैसेज जाए कि ये जो तालिबानी तालीम लेके ये लोग कार्य कर रहे हैं, इसको यहीं के यहीं, यहाँ के लोगों ने, प्रशासन ने यहीं के यहीं दबा दिया। तो ज्ञापन दिया अपने आज? हम आईजी साहब को ज्ञापन देने आए थे, चूँकि 15 अगस्त है और गृह मंत्री जी आए हुए हैं तो उनके साथ हुए हैं, तो उनके असिस्टेंट को दिया है। हरीश विजयवर्गीय, सर्व समाज जनमंच से। क्योंकि हमारी माता बहनों को रास्ते चलते ये टच करते हैं, उनका अपमान करते हैं, अब हम ये नहीं सहन करेंगे। अभी पिछले दिनों की घटना है सराफा के अंदर, जब इन लोगों ने महिलाओं को उनके शरीर को टच करा और उनको जबरदस्ती उनको गलत दृष्टि से उनको